नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज हम बात करेंगे बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड नायिका से खलनायिका बनी अदाकारा शशिकला की। बड़े पर्दे पर दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती नजर आने वाली शशिकला की खुद की जिंदगी किसी बुरे सपने की तरह रही। इनका जन्म तो एक अमीर घराने में हुआ था, लेकिन जब पिता का बिजनेस डूबा तो परिवार सड़कों पर आ गया और यहीं से शुरू हुआ शशिकला का संघर्ष भरा सफर। छह भाई बहनों में शशिकला सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड हुआ करती थी, इसलिए पिता ने इन्हें फिल्मों में काम कर पैसे कमाने भेज दिया। महीनों तक भटकती रही तो फिल्मों में काम मिला, लेकिन पहचान मिली एक खलनायिका की। फिल्मों में काम पाने के साथ शशिकला असल जिंदगी में भी प्यार पाने के लिए जद्दोजहद करती रही। शादी हुई तो पति से प्यार नहीं मिला, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार मिला तो हालात और बद से बदतर हो गई। प्रेमी के कारण न रहने को घर था, न खाने के पैसे, न ही पहनने को कपड़े। शशिकला सड़कों पर सोई और भीख में मिला खाना खाने लगी। आज के अनसुने किस्से में दास्ता फिल्म एक्ट्रेस शशिकला के जिंदगी की। ये दास्ता शुरू करने से पहले आपसे तहे दिल से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 4 अगस्त 1932 में छह भाई बहनों के बीच जन्मी शशिकला का जन्म सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया। वे शहर के कई प्ले में हिस्सा भी लिया करती थी। कुछ समय बाद पिता को बिजनेस में ऐसा नुकसान हुआ कि परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। उनके अपनों ने ही उन्हें ये धोखा दिया था। परिवार की हालत ऐसी हो गई कि 8-8 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। इनका परिवार इंतजार करता था कि कोई खाने पर ही बुला ले, जिससे भूख तो मिट जाए। तब पूरे परिवार को शहर छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। परिवार मुंबई तो पहुंचा, लेकिन यहाँ न इनके पास घर था न पैसे। दोस्त ने अपने ही घर में इनके परिवार को ठिकाना दिया। घर चलाने की जद्दोजहद में शशिकला को परिवार के लिए आगे आना पड़ा। घरों में नौकरानी का काम शुरू किया। झाड़ू, कपड़ा और बर्तन साफ करके कम उम्र में ही शशिकला पैसे कमाने लगी। खूबसूरत थी, लेकिन कमाई का कोई और जरिया नहीं था। जिन घरों में काम करती थी वहां के लोग ही कहते कि इतनी सुंदर हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। जब लोगों ने इस तरह की बातें कही तो पिता ने भी इन्हें फिल्मों में हाथ आजमाने की सलाह दी। हिंदी सिनेमा में जगह बनाना उस समय भी आसान नहीं था। फिर भी 10 साल की शशिकला काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगी। यहाँ एक दिन इनकी मुलाकात उस समय की कामयाब एक्ट्रेस नूर जहां से हुई, और यूं कह सकते हैं कि नूर जहां ने इनकी जिंदगी संवार दी। नूर के पति शौकत हुसैन रिजवी 1945 में जीनत नाम की फिल्म बना रहे थे। मजबूरी में मदद करते हुए नूर जहां ने शशिकला को फिल्म की कव्वाली में छोटा सा रोल दे दिया। बेहतरीन अभिनय के लिए शशिकला को इस फिल्म के लिए 25 रुपए मिले। देखते ही देखते शशिकला का नूर जहां और शौकत से परिवार जैसा रिश्ता बन गया। इनके कहने पर से शशिकला को इंडस्ट्री में काम मिल जाया करता था। शशिकला चंद फिल्मों में नजर तो आई, लेकिन इन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। जो रोल मिल रहे थे वो नूर जहां की सिफारिश पर ही मिल रहे थे। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नूर जहां पति के साथ पाकिस्तान चली गई तो शशिकला को काम मिलना फिर से मुश्किल हो गया। छोटे मोटे रोल किए तो घर का गुजारा हो सका। शशिकला 1948 की फिल्म पुगड़ी में नजर आई। इसके बाद शशिकला 3 बत्ती 4 रास्ता जो कि 1953 की थी, उसके साथ साथ कई फिल्मों में नजर आई। शशिकला शमी कपूर के साथ डाकू जो कि 1955 में आई थी, उस फिल्म में भी थी। 1959 में शशिकला को बतौर बैंक इंडस्ट्री में पहचान मिल चुकी थी। इस दौरान वे आरती, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में नजर आए। शशिकला अक्सर कहा करती थी कि हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत एक वैम्प को होनी चाहिए, खलनायिका को होनी चाहिए, ताकि वह हीरो को अपनी तरफ ले जा सके। शशिकला का रोल लोगों को इनसे नफरत करवा दिया करता था। ये हीरोइन की जिंदगी में जहर घोलने वाली सास, ननद या साइड किरदार में सबसे ज्यादा बड़े पर्दे पर देखी गई। शशिकला अपने पूरे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई। आरती और गुमराह के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।
शशिकला ने बेहद कम उम्र में ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। ये लव मैरिज थी जिससे उन्हें दो बेटियां हुई। महज चंद महीनों के बाद ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरारें पड़ने लगी। मनमुटाव बढ़े और दोनों के बीच झगड़ों की कोई हद नहीं रही। इसका मुख्य कारण था उनके पति का बिजनेस में जबरदस्त नुकसान होना। एक इंटरव्यू में शशिकला कहती है कि मैंने सोचा था कि घर बसा लूंगी और शांति से जीवन बिताऊंगी, लेकिन कैमरे ने मुझे कैद रखा। पति से लगातार झगड़े होते रहे, जिस कारण उन्होंने अपनी दोनों बेटियों रेखा और शालिनी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। शादीशुदा जिंदगी बिखरने लगी तो शशिकला एक शख्स के करीब आ गई। दोनों के बीच नजदीकियां ऐसी बढ़ी कि शशिकला ने बिना कुछ सोचे ही पति और दो बेटियों को छोड़ दिया। ये शख्स कौन था ये कुछ ही लोग जानते थे। इसकी कभी कोई पहचान सामने नहीं आई। पति और बेटियों को छोड़ने पर शशिकला को उस समय समाज में उन्हें बुरी औरत के तौर पर देखा जाने लगा। फिल्म गुमराह के बाद शशिकला नई जिंदगी के लिए उस शख्स के साथ विदेश चली गई, लेकिन जिसके साथ दोबारा घर बसाने के सपने देखे वही शशिकला को टॉर्चर करने लगा। मारपीट और टॉर्चर इस हद तक पहुंच गया कि शशिकला विदेश से भागकर वापस भारत आ गई। शशिकला वापस तो आई, लेकिन परिवार ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। बुरी तरह टूट चुकी शशिकला सड़कों पर आ गई। यहीं रहती, यहीं सोती और कोई भीख में खाना देता तो खा लेती। पागलों की तरह सड़कों पर घूमने लगी। कुछ महीनों के बाद शशिकला शांति की तलाश में आश्रम और मंदिरों के चक्कर काटने लगी। कोलकाता पहुंचकर मदर टेरेसा के साथ रहने लगी। 9 सालों तक उनके साथ लोगों की सेवा की। शांति मिली तो वापस मुंबई पहुंच गई। काम की तलाश में निकली तो टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें काम दिया। शशिकला सोनपरी, जीना इसी का नाम है, दिल देके देखो जैसे शोज में नजर आई। इन्हें शाहरुख, अमिताभ, सलमान के साथ परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसे फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। शशिकला उस वक्त बुरी तरह टूट गई थी जब उनकी बड़ी बेटी रेखा का 1993 में निधन हो गया था। वो कैंसर से पीड़ित थी। साल 2005 में शशिकला आखिरी बार पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में नजर आई और फिर इंडस्ट्री से दूर हो गई। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 अप्रैल 2021 को 88 साल की उम्र में शशिकला दुनिया से रुखसत हो गई। आखिरी समय में शशिकला अपनी बेटी और दामाद के साथ मुंबई में ही रहा करती थी। जिंदगी हर कदम आजमाती है। कोई पत्थर देवता बन जाता है तो कोई राह की ठोकरें खाता है। शशिकला की ये बिखरी जिंदगी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए।